Audio Jungle. इंदौर में ठगी के शिकार हुए एक चाय वाले ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी थी, जिस पर पीएमओ ऑफिस ने पीड़ित की मदद करते हुए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए। इंदौर के खातीवाला टैंक पर चाय का ठेला लगाने वाले कैलाश बड़ोनिया से जालसाजी कर कुछ लोगों ने उसके नाम पर बैंक से 10 लाख का लोन निकाल लिया। कैलाश को धोखाधड़ी का पता चला जब बैंक वसूली का नोटिस उसे मिला, जिसके बाद पीड़ित ने बैंक अधिकारियों सहित पुलिस प्रशासन को अपनी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन किसी ने भी दुकानदार की शिकायत पर ध्यान देना उचित नहीं समझा। आखिरकार थक हार कर पीड़ित ने इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगते हुए पीएम मोदी को पत्र लिखा। पीड़ित कैलाश की शिकायत पर पीएमओ ऑफिस से पुलिस विभाग को एक पत्र भेजा गया, जिसमें कैलाश बड़ोनिया की मदद करने के साथ दोषियों के खिलाफ तत्काल प्रकरण दर्ज किया जाए। कैलाश से हुई इस धोखाधड़ी में कम से कम 5 लोगों का हाथ था। रणवीर सिंह चावला, गुरवीर सिंह चावला, मनिंदर सिंह खरबंदा, गुरवीर सिंह चावला और नितिन सोनी, इन सभी ने 9.5 लाख रुपए की ठगी कर कैलाश बड़ोनिया को झांसे में लिया था। मेरे साथ एक 10 लाख रुपए की चोट हुई थी आंध्रा बैंक से, राजकुमार मीणा और गुरमीत चावला, रणवीर चावला और गुरमीत चावला के जरिए। इनके जरिए मेरे साथ में ये धोखा हुआ है। इन लोगों ने आज 2 साल पहले इन लोगों ने लोन के लिए खाता डलवाया था मेरे साथ में, और लोन का खाता डालने के बाद में उन लोगों ने कहा कि भाई आपका अकाउंट डला नहीं। अकाउंट के मैंने पेपर मांगे तो उन लोगों ने कहा कि आपके पेपर फेंक दिए जाते हैं, आपका अकाउंट नहीं डला। उसके बाद में अपने पास में 2 साल बाद में नोटिस आया है कि आपका 10 लाख रुपये का लोन हुआ था। 10 लाख का जो लोन हुआ था तो वो मसला मेरे पास में था ही नहीं, लोन हुआ ही नहीं था मेरा तो। उसके बाद में हमने कितने लोगों ने धोखाधड़ी, इन लोगों ने, ये 3 जने तो बाप बेटे हैं, वो राजकुमार मीना और नाम है उन लोगों के? उनका रणवीर चावला, गुरमीत चावला और गुरवीर चावला, ये 3 बाप बेटे हैं। ये लोग इन लोग रैकेट चलाते हैं, रैकेट चलाने में कई लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं, और जिस साथ में अगर बैठ गए किसी के साथ में हुआ उनका काम यही धोखाधड़ी का। और उसके बाद में मैंने सारे थाने सारे अधिकारियों से कॉन्टेक्ट करा, मेरा कोई विषय नहीं हो पाया था, परेशान हो गया था, इसलिए मैंने राष्ट्रपति जी को लेटर लिखा था। उसके बाद में मेरे पास में उनका जवाब आया था, मैंने इच्छा मृत्यु उन लोगों को दी थी, और मेरे को सारी चैनल वालों ने मदद दी। बाद में वहाँ पर पहुँचा मैं और मेरी कामयाबी हासिल हो गई। फिलहाल पुलिस ने संबंधित लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंदौर से भारती व्यास की रिपोर्ट।